हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू टाटा पंच। एंड दोस्तों, इसका ये है सीएनजी वेरिएंट, जो कि आपका आता है दोस्तों एडवेंचर 1.2 के नाम से। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर कार में आपको सीएनजी वाले वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, इस कार के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है अगर आप मध्य प्रदेश एंड ग्वालियर से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों, अगर अभी ग्वालियर में चल रहा है ट्रेड फेयर एंड अगर आप इस गाड़ी को बाय करते हैं तो आपको इसमें दोस्तों रोड टैक्स में ऑलमोस्ट 50% ऑफ मिलने वाला है। ये दोस्तों यहाँ की स्कीम निकली है, तो मतलब आप टाटा की या किसी भी कंपनी की कार लेते हैं तो उसमें दोस्तों आपको रोड टैक्स में 50% ऑफ मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये बात मैं आपको और चीज़ बाद में क्लेरिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों, पहले फोकस करते हैं इस कार पे। सो अगर दोस्तों पंच की अगर शोरूम प्राइस की बात करते हैं, एक्स शोरूम, तो दोस्तों वो आपकी स्टार्ट होती है 6 लाख से एंड अगर टॉप मॉडल जाता है आपका 9.68 लाख रुपीज़ तक। बाकी दोस्तों, अभी आप जो वेरिएंट देख रहे हैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 7.85 लाख रुपीज़ एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 8,90,000 रुपये का दोस्तों आपको सीएनजी वाला वेरिएंट पड़ जाता है, जो कि आपका है एडवेंचर 1.2 सीएनजी। सो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सो हम पहले दोस्तों बात करें इसके फ्रंट में, जो फ्रंट से आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं मिलते, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, नॉर्मल से आपको देखने को मिलती है। बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो पियानो ब्लैक में मिलता है एंड थोड़ा सा स्पेस मिलता है हॉर्न के लिए। बाकी नीचे आके बात करते हैं तो ये आपका स्किड प्लेट है बम्पर लोअर, जो कि दोस्तों आपको बॉडी कलर ना मिलते हुए मैट ब्लैक कलर मिलेगा। नंबर प्लेट की आपको डेडिकेटेड पोजिशन मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 190 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। एंड जो भी ग्राउंड क्लियरेंस होगा दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक बार। बाकी इधर आते हैं तो ये आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं, ये टर्न इंडिकेटर हो गए जो कि आपको हैलोजन बेस्ड है। नीचे लाइट सेटअप की बात करें तो ये भी आपको हैलोजन बेस्ड लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो फ्रंट में दोस्तों आपको 1742 mm की इसमें आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है, तो फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है। एंड दोस्तों, ये आपका सीएनजी वाला वेरिएंट है। बाकी वाइपर की बात करें, नॉर्मल से आपको वाइपर मिलते हैं एंड ये देखिए आपका सीएनजी वाला वेरिएंट है। तो टाटा पंच की दोस्तों ये है बैक प्रोफाइल। एंड बैक प्रोफाइल की बात करें हाइट की, तो 1615 mm की इसमें आपको हाइट कंपनी ऑफर करती है। साथ ही हम बात करें दोस्तों पीछे आपको क्या क्या चीज़ और मिल जाता है। यहाँ देखिए बीच में आपको टाटा का लोगो मिलता है। वाइपर डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको मिलती है। नॉर्मल से आपको एंटीना भी कंपनी ऑफर करती है। बाकी सीएनजी के आपको स्टिकर मिल जाएगा। एंड टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको पूरा का पूरा जो मिलता है टेल लाइट सेक्शन या टेल लाइट यूनिट, वो आपको मिलेगी हैलोजन बेस्ड। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर, कोई भी आपको कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पार्किंग लाइट हो गई, या आपको रिवर्स लाइट आप उसे कह सकते हैं। एंड पंच की बैजिंग ICNG की आपको उसमें बैजिंग मिल जाएगी। टायर साइज़ की बात करें तो दोस्तों वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, सेम साइज़ का आपको टायर साइज़। एंड अब हम दोस्तों अगर इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बटन वगैरह कुछ भी कंपनी देती है, एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, बटन प्रेस करेंगे ओपन होगा, वाइट लाइट मिलती है। ये दोस्तों देखिए ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाता है, पार्सल ट्रे कुछ उस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगी सीएनजी वाले वेरिएंट में। एंड इसको ऊपर करते हैं कुछ उस टाइप से। बाकी दोस्तों ये देखिए, ये है आपका बूट स्पेस। तो दोस्तों अगर बूट स्पेस की बात करें तो 210 लीटर का इसमें आपको कंपनी बूट स्पेस ऑफर करती है। एंड लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, इस साइड आपको हुक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड अब दोस्तों बात करें अगर इसके सीएनजी सिलेंडर की, तो आप इसको जैसे ही ऊपर करेंगे ऐसे कुछ इस टाइप से इसको भी खींचेंगे तो नीचे आप देखिए आपको सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों ये है इसके सीएनजी सिलेंडर, जो कि आपके ट्विन सीएनजी सिलेंडर है एंड जो कि आपके 30-30 kg के हैं। दोस्तों अगर इसमें इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 60 kg के हैं। एंड वहीं अगर बात करें इसमें कितनी गैस एक टाइम पर रिफ़िल होती है दोस्तों, तो वो ऑलमोस्ट 8 से 10 kg की गैस एक टाइम पर रिफ़िल हो जाती है। एंड अगर इसकी रेंज की बात करें यानी कितना माइलेज देती है सीएनजी में, तो ऑलमोस्ट कंपनी 26-27 का एवरेज इसमें क्लेम करती है सीएनजी में। तो दोस्तों इतना ही आपको कुछ मिलता है इसके बूट में, चलिए इसे करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों अगर पंच के साइड प्रोफाइल की, इसमें आपको जो लेंथ मिल जाती है वो आपको मिलेगी 3827 mm की। एंड अगर व्हील बेस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 2445 mm का इसमें आपको व्हील बेस कंपनी ऑफर करती है। साथ ही बात करें और क्या क्या आपको चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, तो यहीं बात करें टायर साइज़ की,
तो आप देखिए 185/70/15 का आपको इसमें टायर साइज मिलता है जो कि आपका स्टील व्हील रिम के साथ है। एंड ये आपके दोस्तों इसमें व्हील कैप देखने को मिलते हैं, फ्रंट में कंप्लीट डिस्प्ले को ऑफर करती है एंड सस्पेंशन कुछ इस टाइप से। बाकी आपकी ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखिए पूरी कार में आपको देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों इसके साइड मिरर एंड आपको मिलते हैं बॉडी कलर, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। अगर इसको बात करें तो ये आपके ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते, ऊपर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, ना ही इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों इतना ही कुछ मिलता है इसके साइड लुक्स में। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। डोर ओपन करने के बाद यहाँ देखिए जो उसका डोर पैनल है वो आपको ब्लैक कलर प्लस आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, मिरर सेट करने के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं, ग्रैब हैंडल, साथ में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल स्पेस मिल जाता है एंड ट्विटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब सीट हाइट की बात करें दोस्तों, इस वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही सीट बात करें तो आपको फैब्रिक आपको सीट मिल जाएगी। यह रहेगा दोस्तों आपका मैनुअल वेरिएंट। बाकी आपको सीएनजी का बटन दिया गया है। इधर बात करें एसी वेंट की प्लेसमेंट है, ये आपको टेक्सचर्ड में आपको पार्ट मिल जाता है। बाकी ऊपर दोस्तों आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं कार के अंदर एंड वहीं बैठ के बात करते हैं। सो दोस्तों ये है टाटा पंच का इंटीरियर एंड जो कि आपको ड्यूअल टोन में मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी बात करें दोस्तों हम इसमें आपको क्या क्या मतलब फीचर्स कंपनी ऑफर करती है। पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील की, नीचे आपको फ्लैट, कोई भी आपको लेदरेट नहीं मिलता, बट इसका टच एंड फील काफ़ी अच्छा है। बीच में आपको टाटा का लोगो। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल कट, कॉल पिकअप, वॉइस कमांड का एंड ये हॉर्न का भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको दोस्तों क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता एंड अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको दोस्तों सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस इधर आपको बात करें वाइपर के ऑप्शन। दोस्तों ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका मिलता है डिजिटल। बीच में बात करें स्पीडोमीटर की, वो भी आपको डिजिटल, ऑडोमीटर वगैरह। ऊपर बात करें तो आपको सीएनजी वाला मिलता है दोस्तों, नीचे आपको पेट्रोल का इसमें मिल जाता है। बार गेज पूरा आपको दोस्तों डिजिटल देखने को मिल जाएगा। यहीं ऊपर की बात करें तो आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है। बीच में दोस्तों आपको टू डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसमें आपको ब्लूटूथ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको दोस्तों मिलता है टेक्सचर्ड प्लास्टिक। एसी वेंट की प्लेसमेंट, सराउंडिंग की बात करें ग्लॉसी ब्लैक, बीच में आपको हजार्ड का बटन मिलता है एंड ये आपको पूरा टेक्सचर्ड प्लास्टिक पार्ट। साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह देखने को यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ट्यूनिंग कंट्रोल्स, बाकी सारे आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड एसी की बात करें आपको दोस्तों इसमें मैनुअल एसी कंपनी ऑफर करती है नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी, मोबाइल रखने का स्पेस एंड ये रहेगा दोस्तों आपका 5 स्पीड मैनुअल वेरिएंट। प्लस यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों चार्जिंग पोर्ट मिलता है अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तब, 2 कप ग्लास होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड सीट में आपको बता ही चुका हूँ आपको फैब्रिकेट सीट मिल जाएगी। प्लस ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स, लाइट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इधर बात करें मिरर की तो आपको मैनुअली से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक दोस्तों आपको इसमें मिल जाती है कैबिन लाइट, बाकी सनवाइजर आपको मिलता है, क्वालिटी काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट कोई भी आपको मिरर नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड बात करें मैनिटी मिरर मिल जाएगा। इधर दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो यही कुछ आपको मिल जाता है इसके इंटीरियर में। आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अब बात करें अगर इसके रियर वाले डोर की, तो यहाँ से आप इसे बटन दबा के ओपन कर सकते हैं। ये है इसका डोर पैनल जो कि दोस्तों एज इट इज़ आपको फ्रंट वाले की तरह मिल जाता है। टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर, स्पीकर दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, बोतल स्पेस मिल जाएगा, यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड रियर सीट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको इसमें रियर सीट कंपनी ऑफर करती है। एंड इंटीरियर वाइज बात करते हैं, चलिए पहले गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड बात करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे उसके, देखिए नी रूम की, अच्छा खासा नी रूम है। थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक मतलब मिल जाता है। जिस सेगमेंट में ये कार आती है उस सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको थाई सपोर्ट है। बाकी आपको दोस्तों इधर आपको कोई भी लाइट्स देखने को नहीं मिलती है, ग्रैब हैंडल मिलता है वो आपका फिक्स्ड रहेगा। कुछ इस टाइप से इंटीरियर है, अच्छा लगता है देखने में इंटीरियर। एंड सीट की बात करें जो कि आपको बेंच टाइप की मिलती है, हेडरेस्ट आपको मिलते हैं फिक्स्ड एंड कोई भी आपको इसमें दोस्तों आर्म रेस्ट या 2 कप ग्लास होल्डर भी नहीं मिलता है। सीट आपको दोस्तों आइसोफिक्स मिल जाती है दोनों की दोनों। पीछे आपको पार्सल ट्रे कंपनी ऑफर करती है। कुछ इस टाइप से रहेगा इस कार का इंटीरियर। आपको दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे पंच के जो आपको इसमें सीएनजी वाला वेरिएंट है एंड ये दोस्तों इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवेटॉन पेट्रोल इंजन
बाकी पहले बोनट की बात करें, इंसुलेशन मिल जाता है। एंड अब इसकी पावर फिगर की बात करेंगे तो 72 BHP और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये कार आपको प्रोड्यूस करके देती है। बाकी CNG में हम इसके माइलेज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2627 का एवरेज दोस्तों कंपनी क्लेम करती है। एंड फ्रेंड, आपको मैं एक बात बताने वाला था इस पंच से रिलेटेड। अगर आप ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास कहीं भी रहते हैं एंड आपका कोई भी रिलेटिव ग्वालियर रहता है तो दोस्तों आप कोई भी गाड़ी उनके नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एंड जो उसका रोड टैक्स है उसमें आपको 50% का क्लियर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों मतलब ये काफ़ी अच्छा ऑफर है इस टाइम ग्वालियर ट्रेड फेयर में, आपको RTO 50% ऑफ, ऑलमोस्ट उसका RTO दोस्तों 60,000 करीब का होता था, यानी 30,000 आपके बच जाएंगे। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ ऑल न्यू टाटा पंच, जो कि दोस्तों आपका CNG वाला वेरिएंट है। एंड मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।